हकीकत यह है कि जब अभय को ट्यूमर का अटैक आया था तब सिद्धार्थ ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अभय को डर था कि सिद्धार्थ हम सबको उसके ट्यूमर के बारे में बता देगा, इसलिए उसी हालत में अभय हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और उसने सिद्धार्थ का पीछा किया। जब अभय बेहोश होने लगा तब उसने मुझे फोन किया था। अभय, हेलो हेलो चाची, अभय बोल रहा हूँ। क्या हुआ था चाची? वो मुझे अटैक आ गया था, हॉस्पिटल से अभी निकला। कहाँ तुम? एमजी रोड। अभी कौन? मैं उसी इलाके में हूँ, बस पहुँच गया। ओके चाची। अभय बेहोश होने लगा था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ध्यान अभय की तरफ नहीं था क्योंकि अभय की गाड़ी ढलान से उतर कर झाड़ियों में छिप गई थी। मैंने जो ठीक लगा वही किया। मैं अभय के पास पहुंचा। मैंने बदल दी और वो नंबर प्लेट भी बदल कर उस पर लगा दी। अब जान बचाना बहुत जरूरी हो गया था मेरे लिए। अभय को लेकर मैं घर पहुंचा। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। अभय को लेकर उसके कमरे में पहुंचा और उसे वहां लिटा दिया मैंने। अभय की गाड़ी से हुआ था। ये अभय मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? कहीं ललित ने इसे सब कुछ, अब क्या करूं? सब खत्म हो गया ईशा, सब
सिद्धार्थ को मैंने मारा है। मैं सिद्धार्थ का कातिल हूं ईशा। किसने कहा ये तुमसे? और कहने को बचा क्या ईशा? मैं सिद्धार्थ को कभी मारना नहीं चाहता था, उसकी मौत नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब ललित ने अभी तक अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इस मौके का पूरा फायदा मुझे उठाना है, उसे ठिकाने जरूर लगाना पड़ेगा। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? इनको आराम की सख्त जरूरत। प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाइए। बस डॉक्टर, कुछ देर और। नो नो नो, यू नीड कंप्लीट बेड रेस्ट। देखिए आपको आराम की सख्त जरूरत। बेटे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम बाद में बात करेंगे। चलिए टेक केयर लाली। जो आप फिक्र मत करिए, मैं हूं, मैं सबका ध्यान रखूंगी। ठीक है, नाउ रिलैक्स। आंटी मैं डॉक्टर से बात करके आती हूं। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें अभय को माफ करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैं कहूंगी तो तुम अभय को माफ कर दोगी। लेकिन नहीं, इसके बाद तुम्हारा दिल राजी नहीं होगा, इसलिए कुसुम इस बार सिर्फ अपने दिल की बात सुनना। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभय तुम्हें बहुत प्यार करता है। जब दाशु ने अभय पर इल्जाम लगाया तो अभय मेरे पास आया था। उसने मुझसे वादा लिया कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मां तुम सिर्फ कुसुम का साथ दोगी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस आदमी को झेल पाना अभय के लिए भी मुश्किल है। उसे भी किसी अपने का साथ चाहिए। पर नहीं, मैं अभय को दिया हुआ वादा निभाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगी। फैसला तुम्हें करना है।
हमारे लिए भगवान समान हो। ऊपर वाले के बाद अगर किसी की जान बचाना है तो वो आप ही के हाथों में तो है। प्लीज डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। लाली चाचू, आप बेहोश कितने अच्छे लगते हैं। आपके भैया कह रहे थे कि डॉक्टर जान बचाने के लिए होता है, कुछ गलत थोड़ी कह रहे थे। लेकिन मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से थोड़ी मारूंगी। मैं तो बस तुम्हारे दिमाग को छोटा सा झटका दूंगी ताकि तुम चुपचाप मुझे और अभय को सुखी देखो। सिर्फ दो बोल, ओके? जी हॉस्पिटल में तो हमारे साथ ही था वो, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, मैं देखती हूँ। अभय तो वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। आप प्लीज कुछ करिए ना। दीदी, दीदी आपका जो दिल कहे आप वही करना। आपने हमेशा अपने दिल की मानी, लेकिन आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दीदी सर, आपका गुजरा हुआ कल था, लेकिन अभय जीजू वो आपका आज है और आने वाला कल है।
सब कुछ अभी होना था, अभी जब मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, सच्चे दिल से प्यार करती थी। अब मैं तुमसे सच्चे दिल से क्यों, ऐसा क्यों हुआ अभय, क्यों? काश ये राज राज ही रहता, इससे किसी को दुख तो नहीं होता ना, दुख तो नहीं होता। मैंने सिद्धार्थ को तुम्हारी जिंदगी से अलग किया है, चाहकर भी मैं तुम्हें प्यार ना दे सका, और अब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता कुसुम। काश मैं सिद्ध से माफी मांग सकता, भले ही वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है कुसुम, पर मैं माफी मांग उसके पास जा रहा हूं।